चैनल को सब्सक्राइब करने का सही तरीका, घंटी को ऑल करें, जब भी हमारी वीडियो आपके पास पहुंचेंगी। तो गाइस आपने भाई की कमेंट देख ली होंगे, भाई का सवाल है यार वसीम भाई, बारिश के जो मौसम होता है इसमें सबसे ज़्यादा कबूतर में प्रॉब्लम ये देखने में आती है, कबूतर का भाई जू और मक्खी ज़्यादा हो जाती है, इसका इलाज हम क्या करें? भाई की जो कमेंट थी आज उसके ऊपर ही भाई वीडियो बनने वाली है। जैसे कि देखो, बारिश में क्या होता है यार, आप जू मक्खी निकाल सकते हो भाई, जू मक्खी निकालने से पहले भाई कबूतर को नहलाना पड़ता है। अब यार मौसम तो ऐसा है कि यार धूप कम निकल रही है ना, कभी आप ठंडे मौसम में, पानी गिरते मौसम में कभी आप कबूतर को जू मक्खी निकालोगे तो निकालने पहले नहलाना होगा। कभी आपने कबूतर को नहला दिए और छोड़ दिए तो मालूम है क्या होगा भाई, आपका कबूतर बीमार हो जाएगा भाई। धूप तो है नहीं और हमारा कबूतर गीला बैठा हुआ है, कोई सर्दी खांसी बुखार में कबूतर बीमार हो जाएगा। तो आपको भाई दो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं एक तरीका बता रहा हूँ भाई, बोटॉक्स ये आपको मेडिकल स्टोर से लेके आ जाना भाई। तो गाइस मैंने कई वीडियो में देने का तरीका बताया हूँ, कई वीडियो में आप मेडिकल स्टोर से भाई बोटॉक्स से लेके आ जाओ। मैं जो आपको भाई मोबाइल स्क्रीन में बता रहा हूँ, ये लेके आने के बाद में आपके पास एक कबूतर हो या 10 कबूतर हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, एक हो, दो हो, तीन हो या 10 हो या 20 हो, उससे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लेना है भाई करीब 10 लीटर की बाल्टी लेना है, जिसमें 10 लीटर पानी आ जाए, एक बड़ी बाल्टी लेना, पानी डाल देना भाई बोटॉक्स का, करीब 3 बूंद, है ना, बस सिर्फ 3 बूंद उस 10 लीटर पानी में डाल देना है आपको। डालने के बाद में कबूतर को उस पानी से नहला दो, वो भी इस तरीके से नहलाना है कि कबूतर की आँख उस पानी में नहीं जाए, यानी कबूतर को पकड़ के नहलाना है आपको, सिर्फ आँख में पानी नहीं जाना चाहिए गाइस। कभी उस कबूतर की आँख में भाई मुंह में कभी वो पानी चले जाएगा तो भाई वो एक प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो आपको बहुत ही सावधानी से नहलाना है, क्योंकि ये जो बोटॉक्स है ये परिंदों के लिए ही बना है, जानवरों के लिए ही बना है, गाय गोरू बकरी के लिए सबके लिए ही बना है ये, ठीक है, पेट्स एनिमल्स है ना, सब के लिए बना है ये बोटॉक्स, सिर्फ जू मक्खी के लिए इस्तेमाल होता है। बारिश के अंदर ये तो देखने में आती है कि यार कबूतर में तो सबसे पहले जू मक्खी ज़्यादा हो जाती है और कृमि पेट में ज़्यादा हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा भाई बारिश में और प्लस ठंड में ये देखने में आता है। बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया हूँ उसी तरीके से नहलाना है, कबूतर की मुंडी ऊपर और पूरा धड़ पानी में डुबा देना है और छोड़ देना है। ये काम आपको कब करना है, जब आपके शहर में भाई धूप निकली हो, कड़कती धूप निकली हो, जब भी आपको ये काम करना है, गिरते हुए पानी में काम नहीं करना है, ना अबर बादल मौसम में काम करना चाहिए, तब ये काम करना, नहीं तो भाई ये काम मत करना, नहीं तो आपके कबूतर भाई बीमार हो जाएंगे, सर्दी खांसी में चले जाएंगे। ये थी हमारी भाई की कमेंट, भाई ये कमेंट के हिसाब से ये वीडियो बनी है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई घंटी को ऑल करें भाई, तभी हमारी वीडियो भाई आपके पास आएंगी। बोटॉक्स ये है, सस्ती आएंगी, यार कितनी आएंगी मालूम है, सिर्फ 30 रुपये की बॉटल आएंगी, ज़्यादा महंगी नहीं आएंगी। तरीका मैंने आपको बता दिया, 10 लीटर पानी लेना है, 3 बूंद डाल देना है, एक कबूतर हो या 10 कबूतर हो या 20 कबूतर हो भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस धूप में ही आपको काम करना है। अल्लाह हाफिज़ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।